पसंद आ रहा होगा। अभी हम चलते हैं मलाना की ओर, मलाना में एक्सप्लोर करते हैं। और हम मेन रीज़न है हम मंदिर के लिए आए हैं, क्योंकि जो मलाना का देखते हैं जमलू ऋषि जी, वो बहुत ही जो उनका अति मनोकामना मांगते हैं वो सब पूर्ण होती है। तो हम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आए हैं वापस, और अब हमारी जो ट्रैक स्टार्ट हो गया चुका है, मेन छोटा सा ट्रैक है, चढ़ाई है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो इस खूबसूरत से रास्ते से हम अपना ट्रैक जो है शुरू करते हैं, और ये देख सकते हो आप घोड़ों पर सामान जा रहा है। जहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती वहाँ घोड़ा गाड़ी काम आती है। और आपको रास्ते में चलते हुए इतने प्यारे प्यारे से कैफ़े मिल जाएंगे, जहाँ बैठकर आप अपना स्नैक फूड जो है एंजॉय कर सकते हैं। ये हम पहुँच चुके हैं बहुत प्यारी सी लोकेशन पे, यहाँ से पूरा मलाना विलेज का जो है व्यू आ रहा है। ये देखिए कितने सारे बी हाउसेज है ऊपर, तो ये लोग शहद निकालते होंगे ताज़ा इससे। ये देखिए कितने सारे बी हाउसेज हैं, 1 2 3 4 5 5 बी हाउसेज हैं, तो इससे जो है ताज़ा शहद निकालते होंगे। चलो चलते हैं आगे। ये आपने पीछे सुना होगा कि इनकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, और ये पापा चल रहे हैं आगे, इनकी जो लैंग्वेज है वो भी डिफरेंट है, और जो इनका कल्चर है वो भी अलग है, और यहाँ का कानून भी इनका अपना कानून है। और जैसे ही मलाना गांव में पहुँचेंगे तो ये पानी का जो बावड़ी या पानी का जो सोर्स है मिल जाएगा, और प्यास बुझाते हैं और निकलते हैं आगे मलाना विलेज की ओर। ये खूबसूरत सा नज़ारा, और बस हम पहुंचने ही वाले हैं अब मलाना विलेज। तो ये देखिए हम पहुंच चुके हैं मलाना विलेज, और ये है महामाई का मंदिर। अभी आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा इसका। ये है मलाना गांव, बहुत ही प्यारा गांव है। ये देख सकते हो आप लोगों ने सर्दियों के लिए वुडन स्टॉक जो रखा हुआ है घरों के नीचे भी, और ये इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे टेस्ट करने पर जो है इन जरूर। ये देख सकते हो आप वुडन स्टॉक रखा हुआ है घरों के नीचे। ये मलाना विलेज का बहुत ही प्यारा व्यू। मलाना को जमदग्नि ऋषि, जमलू ऋषि के नाम से जाना जाता है जो मंदिर है। अभी हम चलते हैं उस मंदिर की ओर। तो यहाँ जो भी आता है उसकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है, और यहाँ लोग चांदी के या सोने के जो घोड़े होते हैं उनको चढ़ाते हैं। इसके पीछे भी कोई कहानी होगी, बुजुर्ग बोलते हैं कि वहाँ पर चांदी या सोने का जो घोड़ा होता है वो चढ़ाने से जो है मनोकामना जो भी मांगे हैं वो पूर्ण होती है मलाना गांव में। ये हम विलेज के अंदर पहुंच चुके हैं, और मेरे सामने आप देख सकते हो ये है जमदग्नि ऋषि जी का टेंपल। तो चलते हैं आगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मलाना टेंपल, ये देख सकते हो आप मेरे पीछे। तो आज लगता है यहाँ कुछ है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, और देख सकते हो मंदिर। तो ये हम पहुंच चुके हैं देवता जमलू ऋषि जी के टेंपल में। ये सामने जो है ये टेंपल है,
और यहाँ पर अभी भी पुराना कल्चर है पूरा, लोग जैसे बातें करते हैं बैठ के ग्रुप्स में। आजकल ऐसी कहीं भी चली जाओ किसी भी विलेज में तो ऐसा नज़ारा नहीं मिलेगा देखने को, ये सिर्फ इसी गांव में है देखने को। जो बरकरार है इनका जो कल्चर है, यहाँ देख सकते हो आप कैसे बैठे हुए हैं ग्रुप्स में, तो अब ये चीज़ें नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है देखने को। सब लोग आजकल या फ़ोन में बिज़ी हैं या अपने काम में बिज़ी हैं, ऐसे आपको नहीं मिलेंगे कहीं भी बैठे हुए। तो इन लोगों की ये जो चीज़ है ये इन्होंने बरकरार रखी है, ये देख सकते हो आप लकड़ी की निकासी जो बहुत ही सुंदर की हुई है। और ये पुजारी जी हैं जमलू ऋषि जी के, और ये है महामाई का टेम्पल। ये देखिए मलाना के लोग बहुत ही अच्छे नेचर के हैं, तो ये बहुत यानी कि बोलते ना अतिथि देवो भव, वो इस गांव में देखने को मिलेगा आपको सेम एज इट इज़। जो ये वर्ड है अतिथि देवो भव, वो इस गांव के लिए बना हुआ है। आपको बताऊं मलाना गांव में जाके संतुष्टि हो गई, इतना कल्चर उन्होंने अभी तक भी बरकरार रखा है जो है, और काफ़ी मज़ा आया। होप आपको ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।